पूछ रहे हैं कि कंपैक्ट पाउडर और लूज पाउडर के अंदर क्या फर्क है। लूज पाउडर इस शेप के अंदर होता है, थोड़ी सी बड़ी पैकिंग में होता है, और कंपैक्ट पाउडर इस तरह होता है, और ये थोड़ा सा सख्त फॉर्म के अंदर होता है कि ये जरा थोड़ा सा हार्ड होता है। और ये क्यों हम इस्तेमाल करते हैं इसको, कि क्योंकि जब हम कोई कंसीलर नहीं लगाते या कोई हम डार्क स्पॉट्स को नहीं छुपाते हैं, हमारे पिगमेंट्स हैं, प्रॉब्लमेटिक स्किन है, तो उसके ऊपर हम जस्ट बेस लगा लेते हैं। और अगर आप मैक का पाउडर यूज करते हैं तो एक तो ये रिंकल्स वाली स्किन के लिए बहुत अच्छा है, दूसरा ये 100% कवरेज देता है आपको, कि अगर आपने कंसीलर नीचे नहीं भी लगाया हुआ, कोई डार्क स्पॉट्स नहीं भी लगाए, कोई उसको छुपाने के लिए कोई चीज नहीं यूज की, तो ये 100% आपको कवरेज दे देता है। और ये जो लूज पाउडर है, अगर आपने कंसीलर लगाया हुआ है तो फिर ठीक है, अगर आपने कोई डार्क स्पॉट छुपाए हुए हैं उसके ऊपर तो आप लूज पाउडर यूज कर सकते हैं, ये डस्ट ऑफ हो जाता है और इसका भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। बट ये है कि इसके लिए फिर आपको नीचे कंसीलर यूज करना पड़ता है, डार्क स्पॉट छुपाने पड़ते हैं, फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।